अब देखिए ये पूरा फ्राई हो चुका है, अभी ऐसा लग रहा है। तो आज अभी हमने अपना किराना सब करके लाए, आपको दिखाते क्या क्या लाए। शेंगदाना और ढेर सारा मैगी। एक्चुअली हमारे घर में मैगी की बहुत ज्यादा जरूरत है। खाने वाले की है, कौन खाता है मैगी? कुछ कम से कम ये छोटे वाले जो पैकेट है 20 से 25 लग जाता है, तो फिलहाल मैं 20 लेके आया। और ये पीताम्बरी है, टोस्ट भी है, और कपड़े धोने का साबुन, ये हॉर्लिक्स, और ये नमक हॉर्लिक्स अर्नल के लिए, ये फेना कपड़े धोने का पाउडर, और ये पॉन्ड्स पाउडर, और ये बिस्किट है गुगली, और ये है धूप कांडी, और ढेर सारा और मैगी, और ये है रिंग साबुन छोटे छोटे, नहीं ये है बॉडी लोशन, बोरो प्लस का छोटा सा बॉडी लोशन, और ये डेटॉल का साबुन है, ये और टोस्ट है, ये घी का डब्बा है, अरे वो तेल का डब्बा, और ये तेल का डब्बा है, कौन सा? पैराशूट। ये और एक गुगली का बिस्किट का, और ये सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट पाउडर, और ये डिटर्जेंट पाउडर ये वाला, और ये पीताम्बरी, और शायद हाँ इसमें पूजा का जो प्रसाद देते मिश्री है, और धूप कांडी, और एक ये कपूर पूजा के सामान है सब, और एक रिंग साबुन, एक आटा का पैकेट, ये आशीर्वाद का, और है ये बिस्किट का पैकेट, क्रंचेस का पूरा बिस्किट का पूरा है। ये किसके लिए है? ये क्या है? बिस्किट अर्नब के लिए, और ये हल्दी का पैकेट, और ये है विम बार का, इसमें चार होते हैं विम बार, इस तरीके से हम दो लाते हैं, दो तीन लाते हैं, ये चाय पत्ती राणा प्रताप, और यहाँ पे तेल का पैकेट है, ये तेल का पैकेट है, तेल है आधा लीटर, 1 किलो चीनी, और इसमें जीरा है 1 पाव, स्क्रबर, एक और विम बार, और तेल का पैकेट और एक, और इसमें सब खड़े मसाले हैं, इलायची, लवंग, और काला जीरा, काला जीरा मतलब जिसको कहते कलौंजी। अभी खत्म नहीं हुआ, और बाकी है, लाना बाकी है, अगरबत्ती उस दुकान में मिला नहीं है, ऐसे 2-3 और सामान है जो लाना बाकी है, वो आज ही शाम को जाकर मैं लेके आऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा खाने की इच्छा होगी शेंगदाना, शेंगदाना फ्राई करके, तो आइए देखते हैं मैं कैसे कर। सबसे पहले मैं ले लूंगा एक कढ़ाई, कढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से धुला हुआ है, और नीचे से कर देंगे हम सिलेंडर शुरू। सभी लोग याद रखें, अगर आप जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो जैसे खाना बन जाता है तो पहले सिलेंडर को बंद कर दे, इस्तेमाल अगर हो जाता है तो, और फिर हम ले लेंगे यहां से शेंगदाना। शेंगदाना मैंने ले लिया है, दोबारा बंद। सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे, और सबसे पहले तेल, अभी दे देंगे तेल, देखो तेल जगह पे रख देंगे फिर से, और एक हमें चाहिए करछी, तो ये वाला करछी देंगे। इसको फ्राई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि गैस को पहले आप शुरुआत में तेज रखें, और फिर इसका फ्लेम कम कर दे नीचे से, और थोड़ा सा हम इसमें दे देंगे पहले। ध्यान रहे फ्लेम कम चाहिए, फ्लेम ज्यादा हुआ तो तुरंत ये जल जाएगा। अब इसको हम करेंगे क्या, धीरे 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 तलेंगे, ठीक है। इसको तलते समय इस बात का ध्यान रखें कि पहले इसका जो
फ्लेम है नीचे से सिलेंडर गैस का वो कम रहना चाहिए और उसको धीरे धीरे आपको फिर उसको भूनना है। एक बार में बिल्कुल आग तेज करके नहीं फ्राई करना, नहीं तो तुरंत जल जाएगा। अब देखिए पूरा फ्राई हो चुका है, अभी ऐसा लग रहा है।